हेलो चिल्ड्रन आज हम चैप्टर फोर का आगे का पोर्शन लेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेलेसली ने एज अ गवर्नर इंडिया आया और इंडिया आने के बाद उसने क्या किया कि देखा कि फ्रांस और इंग्लैंड में काफ़ी कंपटीशन है तो फ्रांस आगे निकल जाएगा इस वजह से उसने ये सोचा कि इन अब खुद को पावरफुल करने के लिए इसको पीछे करना जरूरी है तो फिर उसने सब्सिडरी अलायंस जो सब्सिडरी अलायंस जो था वो इंट्रोड्यूस किया जिसने स्लो पॉइजन का काम किया और धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाने लगा अब हम आगे का लेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगी रीड करके एक्सप्लेन करूँगी तो आप ध्यान से देखिएगा पेंसिल ले लीजिएगा हाथ में निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेसिली सब्सिडरी अलायंस जो निज़ाम थे है हैदराबाद के वो फर्स्ट विक्टिम बने सब्सिडरी अलायंस के देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या उसके बाद मैसूर और अयोध्या को uh, कब्जे में किया गया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू तंजोर एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फेथ फिर तंजूर और जो कर्नाटका उसके साथ भी यही सब किया गया सब्सिडी अलायंस अप्लाई करके द ब्रिटिश मेड द मराठा फाइट एमोंग देम सेल्फ एंड कॉन्सिक्वेंटली मेट देक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस तो ब्रिटिश uh, गवर्नमेंट ने क्या क्या मराठास के अंदर फूट डाल दी और वो लोग आपस में ही मराठास लड़ने लगे और बाद में उन्हें मजबूर कर दिया गया कि आपको सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करनी है वाइंग टू द लॉसेस इंक्योर्ड बाय निजाम इन हिज फाइट विथ मराठास ही वाज द फर्स्ट एक्सेप्ट दिस अलायंस और मराठास के साथ ये जो लॉस हुआ निज़ाम का तो जिस वजह से निज़ाम क्या हुए फर्स्ट आ, विक्टिम बने अलायंस को एक्सेप्ट किए उन्होंने टीपू सुल्तान ऑफ मायसूर रिफ्यूज टू डू सो तो जो मैसूर के जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ये अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सबसिडरी स्टेट तो पहले तो टीपू सुल्तान ने मना कर दिया बट बाद में जब ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत हो गई तो उसके बाद मैसूर को मजबूर किया गया फोर्स किया गया कि आप इस अलायंस को एक्सेप्ट करिए मराठा चीफ फॉर्ट एमोंग देमसेल आफ्टर द दे डेथ ऑफ नाना फडवीस तो नाना फडवीस की डेथ के बाद जो मराठास थे वो लोग आपस में ही लड़ने लगे वन वन ऑल द मराठा स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश तो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ये मराठा आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे करके एक एक करके सब आ, इसके विक्टिम बने शिकार बने द अदर स्टेट नेमली अयोध्या गोरखपुर तंजोर कर्नाटका फरुखाबाद फरुखाबाद एंड ऑल्सो सफर द सेम फेथ और ये सारी स्टेट्स जो अयोध्या गोरखपुर तंजोर कर्नाटका ये सब भी अलायस के विक्टिम बने इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ सेवन ईयर्स वेलेसली एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया इस तरीके से सात साल सात साल के अंदर ही वेलेसली ने एक्सपेंड कर दिया कंपनी के पावर को और ये सुपर पावर बनकर इंडिया में आया सुपर पावर हो गया इंडिया में एक फ्रांस इंग्लैंड सारे निकल गए ब्रिटिश सबसे आगे हो गए तो एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायस ट्रीटीज़ इज विसूर निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टेंस द ब्रिटिश मूव टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब आ, मैसूर निज़ाम मैसूर निज़ाम ऑफ हैदराबाद मराठास के साथ मराठा के सरदारों के साथ सब्सिडरी अलाइंस करने के बाद संधि करने के बाद जो ब्रिटिश थे वो कहाँ की ओर मूव किए नॉर्दर्न पार्ट इंडिया के दे एंटर इनटू ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल सेंसिंग सेंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट उन्होंने नेपाल के साथ संधि की दोस्ती की फ्रेंडशिप किया क्योंकि उन्हें नेपाल से डर था मैनी बैटल टू सिक्योर द फ्रंटियर उन्होंने कई युद्ध भी किए कई लड़ाइयाँ की अपनी सीमाओं को बचाने के लिए फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प विन द बैटल विद द अफगान एंड इस्टेब्लिश देयर रूल इन सिंध तो सिख के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें काफी हेल्प किया अफगानों के साथ युद्ध जीतने में और इस इस वजह से युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने सिंध में भी अपना कब्जा कर लिया शासन स्थापित किया द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja रंजीत Singh was alive तो अब इनकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ गई ब्रिटिशर्स की सिंध में उन्होंने कब्जा किया अपना शासन किया उसके बाद उनको यू ऐसा ऐसी इच्छा हुई कि वो सिखों सिख जो रीजन है वहां पर भी अपना कब्जा कर ले अपना पावर इंक्रीज करे बट ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तो जिस वजह से वो लोग क्या करते थे कि उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखा होता सो दे कैप फ्रेंडली रिलेशन विद महाराजा रंजीत सिंह तो उन्होंने इस वजह से महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखा था रंजीत सिंह वाज अ स्ट्रांग रूलर ऑफ दैट टाइम तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उस टाइम के बहुत ही पावरफुल रूलर थे। He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. He had set up a strong army. किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने एक strong army रखी थी, जिससे कि वो uh, with the help of European officers the protection of the his state उनके help से, European officers की help से उन्होंने कि strong army रखी थी अपने state के protection के लिए। He had attained victories over many nearby states. उन्होंने अपने आजू बाजू के कई states में victory हासिल कर रखी थी जीत हासिल कर रखी, रखी थी After his death, Punjab suffered After his death. तो जब महाराजा रंजीत सिंह की death हो गई तो पंजाब में गड़बड़ चलने लगा सब कुछ कामकाज. काज गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग म टू इंडिया एंड बॉट द सिख रूल कंप्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विद द पॉलिसी ऑफ इंटरफेस इंटरफेरेंस एंड एनेक्सेक्शन तो एनेक्सेशन की वजह से ये जो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई और बाद में गवर्नर जनरल इंडिया आए और उन्होंने क्या किया सिख पर क्योंकि इसमें तो इनका काम काज गड़बड़ चलने लगा था सिखों में पंजाब में तो उन्होंने सिख जहाँ पे रूल था एरिया था वहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल के अंडर ले लिया और ये पॉलिसी की एनेक्सेशन की या इंटरफाइनेंस की तो आगे जो एनेक्सेशन की पॉलिसी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू